यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, फिर भी हम समझाने की चेष्टा करते हैं, यदि जाग जाओ तो समझ जाओगे। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हो, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं, बहुत बार तुमने न्यू ईयर मनाया होगा, इस बार हमारी कथनानुसार मना लो तो ये मान लो कि आपके ऊपर असीम कृपा हो जाएगी। हे बंधु, यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि दुस्नेहा पासेर महा, तुम बहुत दुरंत कठिन मोह फांसी से बंध चुके हो, अज्ञान से युक्त हो, इसलिए पहले कह रहे मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, फिर भी हम समझाने की चेष्टा करते हैं, यदि जाग जाओ तो समझ जाओगे। हे बंधु, तुम जिससे जिससे अपनापन किए हो, ये केवल घड़े हैं, इन घड़ों में केवल एक ही कृष्ण विराजमान है, जो तुम्हारे हृदय में वही उनके हृदय में, वही अनंत जड़ चैतन्य के हृदय में विराजमान है। जैसे करोड़ घड़े रख देने पर करोड़ प्रतिबिंब सूर्य का पड़े तो सूर्य करोड़ नहीं हो जाते, वो एक ही सूर्य है। जैसे करोड़ों घड़ों के नष्ट कर देने पर करोड़ों सूर्य प्रतिबिंब नष्ट जैसे जान पड़ते हैं, तो क्या सूर्य पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। ऐसे ही वो सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप परमात्मा इन सब घड़ों में विराजमान है। उसको ना जानकर, उसको ना मानकर हम इन शरीरों से प्यार कर बैठे। हे बंधु, बंधुजना, जिसको तुमने प्रिय माना है, जिन शरीरों को तुमने अपना माना है, यही स्थूल सूक्ष्म कारण यतते सदैव दुस्नेह पासैर महा। एक ही लड़का है, बहुत रुपया कमा रहा है, पधार गया, पूरा परिवार उजड़ गया। ये काल का कलेवा संपूर्ण संसार है। हे भाई, यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पहले कह दिया। यहां सब प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पर नाशवान दुखालय में बड़े आश्चर्य की बात है, हे बंधु, तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, बड़े आनंदित, बड़े सुखी, बड़े हर्षित होते हैं जब अनुकूलता हमारे को घेरती है, अनुकूल पुत्र, अनुकूल धन संपत्ति, अनुकूल पद, सब व्यवहार अनुकूल, भूल गए मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरा परम कर्तव्य क्या है, भूल गए अनुकूलता में। अब जब प्रतिकूलता आई तो डूब गए प्रतिकूलता में, निकलने का चांस नहीं। इसीलिए कह रहे हैं, बंधु मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पर हम समझा रहे हैं, अगर समझ जाओ। माया कापी विमोहिनी, बहुत विचित्र ये विमोहिनी माया है। कभी तो स्त्रियाह कलालापः, स्त्री स्वरूप में ऐसी चेष्टाएं, मधुर भाषा, सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम, वाणी अमृतमयी, हृदय में काम वेदना का प्रादुर्भाव, ऐसी चेष्टाएं विमोहिनी माया। कभी शिशु कलालापः, कभी छोटे बच्चे के रूप में लड़खड़ा के चलना और तोतली वाणी में बोलना, मानो प्राणों का अपहरण कर रहा है। दुस्नेह पासैर महा, ये उस त्रिभुवन विमोहिनी माया का पास तुम्हारे हृदय को जकड़ रहा है, तोतली वाणी में बोल के पिता पापा गोद में चढ़ा, पूरा हृदय आसक्त हो गया। वो मधुर मुस्कान, सुधामयम वाचो, अमृतमयी वाणी, कटाक्ष भरी चितवन से विनोद भरी वार्ता, पूरा हृदय फंस गया। घोर अनर्थ हो गया। क्यों? यहां आए थे जीवन मुक्त होने के लिए, वादा गर्भ से करके आए थे भगवान से कि इस बार मुझे निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा, कहीं भी ममता आसक्ति नहीं करूंगा, एकमात्र आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। तो फिर क्या, गृहस्थी में ना रहे,
नहीं, आराम से रहिए। तो पत्नी से प्यार न करें, नहीं, बहुत प्यार कीजिए, लेकिन स्वार्थ की गंध रहित होकर उसे परमात्मा स्वरूप जानकर। पुत्र से प्यार ना करें, बहुत करो, गोपाल जी की भावना करो, स्वयं श्री कृष्ण कैसे आंगन में खेल रहे हैं, कैसे तोतली वाणी में बोल रहे हैं, भगवत भाव युक्त करो। नहीं तो कह रहे दुष्टनेह पासैर महा घोरा अनर्थ, तुम समझ नहीं पाए ऐसी फांसी में बंध गए, घोर अनर्थ हो जाएगा, एक बार भी राम कृष्ण हरि बोलने का अवसर ये माया नहीं देती। भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग सुनने का अवसर मिला, नाम जपने की रुचि बनी और अधर्माचरण त्यागने की चेष्टा हुई, बड़ी कृपा हुई है, संभाल लो अपने आप को। निदान मर्थ महत्वम विद्य पार्थम परम, आहा, ये अनर्थ का निदान करने का अभी समय है। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, अभी समय है, निकल सकते हो उनमें भगवत भावना करके, केवल भगवत भावना करके, छोड़ के भागने से कुछ नहीं होगा। ये दुष्नेह पासैर महा घोरा अनर्थ, छोटी मोटी फांसी नहीं है, बिना फांसी के ऐसे फांसी है। भागते हुए संसार में घूमते रहो, चाहे जो वेश बदल लो, इस फांसी को जब तक नहीं काट पाओगे, ये दुराशा, ये दुष्नेह, ये बहुत बड़ी फांसी है। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कचुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे। फांसी नहीं दिखाई देती, लगी बहुत जोर की है, परिवार का राग, परिवार की ममता इतनी जोर की है कि हमें लगता है यही सत्य है। और ये हम साधारण पुरुषों की बात नहीं कर रहे, जो भागवत गीता शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते हैं, रोज पाठ करते हैं, उत्तम कुल के हैं, बड़ा अच्छा स्वभाव, तो कहते हैं परिवार की चिंता, अरे यहां इतनी चिंताएं हैं, हम कहां से माला लेके बैठे, हमारे पास समय थोड़ी है। भैया जब काल आवे ना तो यही उत्तर दे देना, यम आवे तो यही उत्तर दे देना। लोग समझते हैं बाबा जी के पास कोई कार्य नहीं, कई बजे तुम जगते हो, कितना कार्य करते हो, शारीरिक श्रम केवल ही तो करते हो, मानसिक श्रम में आके देखो, मन को घसीट कर विश्व के प्रपंच से विश्वातीत भगवान में लगा के दिखाओ, 5 मिनट होश खराब हो जाएगा। बाबा जी का वो कार्य थोड़ी है, संपूर्ण राग का त्याग करके संपूर्ण भोगों की वासनाओं को सहते हुए सच्चिदानंद में वृत्ति लगाना, दिन भर मेहनत करते हुए कार्य किए, भोग संग्रह किए, उन भोगों को भोगा और रात्रि में भोग विलासिता से युक्त होकर के मुर्दे की तरह सो गए, अपने को बहुत बड़ा काम करने वाला समझते हो। अरे जिस काम के लिए आए उस काम को 5 मिनट भी नहीं किया, किस बात का तुम्हारा कार्य, जब यहां से जाओगे तो एक मात्र तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। घोरा अनर्थ, घोर अनर्थ कर दिया। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं, जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हो, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं, जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए, प्रातःकाल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, तो हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव, ये राक्षसी उत्सव। चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी, 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। ये जो न्यू ईयर हैप्पी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनका न्यू ईयर अगला साल कैसा जाएगा, घोर पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी, ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा, ये साप नहीं है, वरदान है, समझ जाओ। अगर तुम्हें कोई भी उत्सव करना है तो भगवान नाम कीर्तन करो, रात भर जग करके सब नाचो गाओ, प्रभु का यश गाओ और 10-5 को इकट्ठा कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो गऊओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो, अगर 4 लोग मिलकर के 4 स्वेटर खरीद लो,
ऐसे जो फुटपाथ में बैठे कांप रहे हैं उनको पहना दो, चार लोग मिलकर के अच्छा भोजन मनाओ, चार लोगों को जाके पवा दो, सर्दी का समय हो गया है, हैप्पी न्यू ईयर। ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। अगर कान में आवाज पड़ रही होने तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। घोरा अनर्थ निदान अमर्थ मह त्वम विद्य पार्थम परम, अभी समय है, अभी सुधार कर लो। कितनी देर की मस्ती, ये कोई मस्ती है? बेकूफी को मस्ती समझते हो? शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की, ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है, वो बड़े जन कहे जाते हैं जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं दुख भोगते हैं और दूसरों को परमानंद प्रदान करते हैं। सा लोकां तारयति, उनको बड़ा कहते हैं। स्वार्थ भ्रंश करम, हे भाई पहले कह दिया है, हमारी बात नहीं समझोगे। ये स्वार्थ का नशा जो तुम्हारे चढ़ गया है कि ऐसे सुखी हुआ जाता है मनमानी आचरण करके, ये तुम्हारा नाश कर देगा, मान लो। अभी ना मानो, बहुत विचित्र विचित्र काल की गतियां हैं। काल किसी को नहीं बख्शता, मनमानी आचरण करोगे ऐसी शुभ जगह में मारेगा आपको, जहां तुम्हारा सुख सर्वस्व विध्वंस हो जाएगा। इसलिए मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये मन और बुद्धि तुम्हारे दुश्मन है, इस समय तुम्हारे मित्र नहीं है। ये अज्ञान अंधकार में भटकाने के लिए ही तुम्हें केवल संकल्प विकल्प कराएंगे, प्रेरणा करेंगे। भाग्यशाली हो जो सत्संग सुनने को मिल रहा है। सबको अपने जीवन को सत मार्ग में चलाने के लिए मानव देह दिया गया है। सावधान हो जाओ, अभी अनर्थ की निवृत्ति का समय है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, तजि हरि चरण सरोज सुधारस रवि कर जल ले लायो। काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। ए भाई, मन के कथनानुसार मत चलो, तुम मन के स्वयं जज बनो, निर्णय करो। क्या? जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो, ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त है। परिचय, यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को कि ये गलत निर्णय कर रहा है या सही। यदि हरि विमुख हो तो ये त्रिगुणात्मिका माया तुम्हें समझने का अवसर ही नहीं देगी और ऐसे भोगों में फंसाएगी जहां किंचन मात्र सुख नहीं है। कैसे? रविकर जल लय लायो, कई बार बताया है, इसे मरुभूमि में निर्मल जल का आभास कराता है। जे ही भुवन भास्कर उदय होते हैं तो गंगा जी की जो रेती है उसमें खूब देखा है, सैकड़ों बार देखा है, दूर दिखाई देता है बहुत निर्मल जल। तो जब मृग प्यासा हुआ जल धारा की तरफ पीठ करके और भागता है उस निर्मल जल को देखकर, तो वहां रेत के सिवा कुछ नहीं होता। ऐसे ही अय मन हरि की प्रेम रस धारा को, तज हरि चरण सरोज सुधारस अमृत धारा को छोड़कर, ये जो जगत के अधर्म युक्त भोग हैं, ये मृग तृष्णा है, कभी नहीं प्यास बुझने वाली। भोग लो, मनमानी कर लो। बहुत बार तुमने न्यू ईयर मनाया होगा, इस बार हमारी कथनानुसार मना लो तो ये मान लो कि आपके ऊपर असीम कृपा हो जाएगी। रात भर जगो, हम कह रहे हैं रात भर जगो, 12 बजे तक नहीं, पूरी रात जगो। तो
पर हरिशरणम राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम हरि, जो नाम प्रिय हो सब मिलकर नाम कीर्तन करो, फिर तुम देखना। एक बात और बताए देते हैं, जब कोई धर्म पर कदम रखता है चलने के लिए तो उसके पाप उस पर हावी हो जाते हैं, उसको चलने के लिए बाधा पहुंचाते हैं जिससे वो आगे ना चल पाए। वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। वर्तमान में प्रारंभ में ही शुरू हो सकता है, तुम्हारा पाप कर्म तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकता है। पर ये अगर हमारी पहले से सावधानी की बात मान ली कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, आप ये न सोचे कि जब मैं पीता था खाता था मनमानी आचरण करता था हर सुविधा चरण चूमती थी, आज जब त्याग दिया धर्म से चला तो बाधा पे बाधा पड़ रही है, वो नहीं, वो बाधाएं नष्ट हो रही, आगे तुम्हारा मार्ग परम सच्चिदानंद प्रकाशमय सुखमय है, भविष्य तुम्हारा बड़ा मंगल होगा और ये जन्म का परम लाभ तुम ले पाओगे। वर्तमान के भोगों में फंसकर अपना नाश मत करो। तजि हरि चरण सरोज सुधारस रवि कर जल ले लायो। हर बार मन कहता है कि ये खा लूं तो ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, ये भोग लूं मन ठीक हो जाएगा, ये पी लूं, ये देख लूं, ये कर लूं। कब तक धिक्कार है ऐसे मन और धिक्कार है ऐसे अपने को कि हर बार इसकी बात मान लेता हूं कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, लेकिन फिर हाथ में वही तृष्णा, वही भोग वासना, वही दुर्वासना। कभी तो पलट कर इसको जवाब देने की हिम्मत रखो कि अरे दुष्ट, बहुत फंसाया अब तक, अब सदगुरुदेव मिल गए, अब शास्त्रों के वचन मिल गए, अब मैं तेरी चाल समझ गया, अब तू नहीं फंसा पाएगा। लेकिन 2 घंटा पहले कसम खाइए और 2 घंटा में तुम्हें फिसला ना दे तो बता देना, 2 घंटा में भूल जाओगे कि हमने कसम खाई, फिर वही हरकत, फिर वही चेष्टा, फिर वही संकल्प। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। श्री हरिवंश नाम बल्लहो अपने मन भाई सब कहो रहो शरण हरिवंश की। अगर नाम जप चल रहा है तो जहां चाहो वहीं, जो पैर वाली ब्रिक और हाथ वाली ब्रिक, दरे में गाड़ी को खड़ी कर दो, एक कदम नहीं जाएगी। ऐसे ही जिस समय नाम जप चल रहा है और भगवान के चरणों का आश्रय, तो जहां चाहो वहीं मन को रोक दो। ऐसा नहीं है कि मन इतना बलवान है कि भगवद आश्रित के आचरणों में वो कुमार्गामी प्रवृत्तियां पैदा कर दे। भूल न दे कुमारक पाऊं, ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में कितनी भी वर्षा हो घास नहीं जगेगी, ऐसे कितने भोगों का सानिध्य हो भगवत चित्त में कभी काम जागृत नहीं हो सकता, वासना जागृत नहीं हो सकती। भगवत चित्त आप ही हैं, कोई और नहीं है, आप भगवान के अंश हैं। नाम जप नहीं है तो रोज कसम खाओगे, रोज टूटेगी। खूब अनुभव की बातें कह रहा हूं, खूब देखे हुए सुने हुए समझे हुए ये बातें हैं। यदि नाम जप नहीं है तो दोपहर के कसम खाओगे, शाम के वही क्रिया करोगे जिसकी कसम खाई है, वही व्यसन, वही आदत, वही चेष्टा। भगवान नाम जप, भगवद आश्रय। आगे बहुत विचार पूर्वक गोस्वामी जी अपने को विचार करने के लिए शब्द बोल रहे हैं। त्रिजग देव नर असुर अपर जग जो नि सकल भ्रमी आयो, ग्रह बनिता सुत बंधु भये बहु, मातु पिता जिन जायो काहे को, फिरत मूढ़ मन धायो। कभी सुअर बना, कभी कुत्ता बना, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी देवता बना, कभी मनुष्य बना, कभी राक्षस बना, न जाने किस किस योनि में मैं जन्मा। हर योनि में मुझे सब सुख ये मिले जिन सुखों को तुम मानव देह धारण करके भोग रहे हो। छोटे छोटे पशु पक्षी भी मैथुन करते हैं, उनके भी अंडे और बच्चे होते हैं। जितना आपको प्यार है उतना उसको भी प्यार है। जितना आप बढ़िया मोटे गद्दे पे सहन करने में आनंद लेते हैं, सुअर उतने कीचड़ में आनंद लेता है। जो आप मीनू बना के होटल में खाते हैं, सुअर विष्ठा में उतना ही आनंद लेता है, ध्यान रखना।
जितना आप विषय भोगों में सुख लेते हैं हर जीव वैसे ही, जैसे आप नींद का सुख वैसे ही हर जीव, अंतर क्या रह गया भाई? अगर सच्चिदानंद प्रभु का नाम जप नहीं हुआ, प्रभु का आश्रय नहीं हुआ, शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो तुम में सुअर कुत्ता पशु पक्षियों में अंतर क्या रहा? बड़े महापुरुष कह रहे हैं, तिनते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहें कछुए। कौन सा ऐसा देह है जो आज तक हमें मिला ना हो? फिर सुन लो, राजसु यज्ञ हो रहा है, एक चीटा छोटा सा अन्न कण लिए टांग टूटी लड़खड़ा के चल रहा है। अर्जुन जी ने कहा, भगवान कभी इस पर दया करो, देखो इसकी हालत। बोले 14 बार इंद्र बन चुका है, अपने को लगता है टूटी टांग चीटा कितना कष्ट पा रहा है सृष्टि में, 14 बार इंद्र बन चुका है, तो अपने क्या क्या बन गए होंगे? गोस्वामी जी कह रहे, पशु पक्षी सुअर कुत्ता त्रिजग योनियों में देवता बने, मनुष्य बने, राक्षस बने, क्या क्या नहीं बने। अब इस समय अवसर मिला पुनः मानव देह मिलकर, तो ये मूर्खता सवार हो गई, फिर वही भोग, फिर वही पापाचरण, फिर वही मनमानी। क्यों? क्योंकि घर में यही शिक्षा दी जा रही, गृह बनिता सुत बंधु भय बहु मात पिता जिन जायो, जाते निरय निकाय निरंतर सोई इन तो ही सिखायो। इन सबने जितने संबंधी मिले कभी ये नहीं बताया कि बैठ करके भगवान का नाम जप कर थोड़ी देर तेरा परम मंगल हो जाएगा, तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जिससे हमें नरक मिले, घोर दुख मिले, वही आचरण मेरे माता पिता ने, परिवार वालों ने सिखाया। मात पिता बाल कहीं बुलावें, उधर भरे सुई जतन सिखावें। बढ़िया धन कमाने लायक बनो, सुख सुविधाएं एकत्रित करो, हमें खूब भोग सामग्री प्रदान करो, यही कभी नहीं बताया कि धर्म किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं, भगवान कौन है, जितेंद्रियता किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, संयम किसे कहते हैं, खुद को पता नहीं तो क्या बताएंगे। बोले इन्होंने वही बताया, जाते निरय निकाय निरंतर सोई इन तो ही सिखायो, जिससे तुम्हें घोर नरक मिले वही बातें सिखाई गई, वही खुद आचरण कर रहे हैं, देख देख के बालक अनुकरण कर रहा है। बाद में जब डंडा चलाते हो घर से निकालते हैं, तब बोले कि ये कर्तव्य तो बालक का नहीं होना चाहिए, तो तुमने अपने माता पिता होने का कर्तव्य निभाया, वही राक्षसी बुद्धि उसमें भरी अपने आचरणों से, अपने चेष्टाओं से, अपने वचनों से। अब परिणाम में वो राक्षसी व्यवहार नहीं करेगा और क्या करेगा। जिससे घोर नरक यंत्रणा प्राप्त हो वही सिखाया गया अपने बालकों को। तू ही तो होई कटे भव बंधन सो मग तो ही न बतायो, तुम्हारा मंगल हो जाता, तुम परम सुखी हो जाते। गृहस्थ में होकर नाम जप करते हुए सबको सुख पहुंचाने की भावना से तुम अपने भव बंधन को काट देते, परम पद में आरूढ़ हो जाते, पर तुमको वो मार्ग ही घर वालों ने नहीं बताया। आप देख लो, कोई बिरला ही घर वाला ऐसा होगा, अगर आप 10 मिनट रज लगाकर माला लेके बैठे तो पूरे घर में हलचल मच जाएगी, भजन कर रहा है कहीं भगवान का भगत ना बन जाए, भगत बन गया तो भी सारी कामनाओं में आग लग जाएगी, हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, तो गुरु को गाली, उसको गाली, भगवान को गाली, सब शुरू हो जाएगी, घर से छवि निकाल के बाहर फेंकवा दी जाएंगी तुम्हारी कंठी तोड़ने की, अगर नहीं किए तो उनके धमकी आने लगेंगी, अगर कल से माला लेके बैठे तो हम ऐसा कर लेंगे। धन्य है वो माता पिता कि अगर कभी भूल से तूने शराब पी, मांस खाया, व्यभिचार किया, अगर पापाचरण किए तो हमें जीना अच्छा नहीं लगेगा, कि ऐसे पुत्र से या तो तू मर जाता या मैं मर जाते। मेरे को अगर ये कलंक लगे कि तुम्हारा पुत्र चोर, तुम्हारा व्यभिचारी, तो ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं, ऐसी कभी शिक्षा दी, ऐसी कभी भावनाएं बैठा ली उनको सतमार्ग की? नहीं, अगर वो सतमार्ग सुनकर चलने लगे तो रोकने के लिए जरूर प्रयासरत। सैकड़ों ऐसे हमारे पास प्रश्न आते हैं, अजहूं विषय कह जतन करत। आज सत्संग सुन रहे हो तो आज सुधार कर लो। मान लो ये बहुत बड़े खतरे का दिन है, जिसे तुम कह रहे हो हैप्पी न्यू ईयर, हमको बहुत खतरा दिखाई दे रहा है।
एक साल तो गए मिट्टी में, और इसमें तुम शराब पियोगे, क्लब में जाओगे, गंदी बातें करोगे, पहली ही नींव अगले वर्ष की तुम्हारी गंदी रख गई, राक्षसी बुद्धि की रख गई। हम बार बार प्रार्थना करते होश में, वो बड़े भाग्यशाली हैं जो धाम आए हुए हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ कुछ नाम जप करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, यमुना जी का दर्शन करेंगे, बिहारी जी का, उनका जीवन मंगलमय हो। वर्ष की क्या बात, पूरा जीवन मंगलमय हो। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। लेकिन ये उनकी बात है जो भगवान से विमुख होकर आज भी विषय सेवन में सुख ढूंढ रहे हैं, यद्यपि बहुत प्रकार से दुख पा रहे हैं, पर उनको रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा भगवत मार्ग का, आनंद का। वो गंदी बातों में ही बढ़ते चले जा रहे हैं। पावक काम भोग घृत ते सठ, कैसे परत बुझायो। हमारा मन समझाता है हम यदि भोग भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सिद्धांत कहता है आग को घी मिलेगी तो आग बढ़ती चली जाएगी, आग में घी न पड़ने पावे तो आग शांत हो जाएगी। भगवान नाम, भगवान लीला, गुण गायन काम अग्नि के लिए ये जल के समान तत्काल शांत करने वाला है, और भोग क्रियाएं और आग पैदा करने वाली। वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, वही नवीन आग, एक बार ये खा के देखें शायद इसमें सुख मिल जाए, एक बार ये देख लूं, ये सूंघ लूं, ये छू लूं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पूरी सृष्टि को पांच विषयों में बांधा गया है, इसी में हम भ्रमित हो।